गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अपने डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के दरमियान डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे थे। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट दूसरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो बेसिकली द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एक्टिविटीज बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग दोज विद इन वन गवर्नमेंट बॉडी। Many of these are aimed at improving the effectiveness and efficiency of government operations. So this is a major objective. के एक government से दूसरी government के दरमियान जो activities हो रही हैं वो effectively and efficiently manage होनी चाहिए। So इसके साथ साथ inter-department interaction को भी बेहतर किया जाता है, जिसमें reporting है, budgeting and planning है, planning and development है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट सैप सॉफ्टवेयर यूज करिए, विच इज यूज टू इंटीग्रेट ए वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ फेडरल प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स इन पाकिस्तान। ये एक वेबसाइट है agp.gov.pk। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट के बहुत सारे इदारे हैं, वो बहुत सारे काम कर रहे होते हैं और उनके फाइनेंशियल मैटर को बेहतर करने के लिए फाइनेंस और अकाउंट्स डिपार्टमेंट होते हैं, और जो डिफरेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज को मैनेज करते हैं। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी फंडिंग से रिलेटेड भी चीज़ों को मैनेज करते हैं, और कोई भी जब प्रोजेक्ट अप्रूव होता है या किसी की भी सैलरी रिलीज करनी होती है तो वो सबसे पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूव होती है और फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट के थ्रू उस फंड्स की डिसबर्समेंट होती है। अब पाकिस्तान में इस सैप सॉफ्टवेयर के जरिए इस सारे फाइनेंशियल मैटर को डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंशियल और फेडरल लेवल पे मैनेज किया जा रहा है, और ये इतना अच्छा इंटीग्रेट किया हुआ है कि कहीं भी किसी भी चीज़ का ऑडिट करना बहुत आसान है। सो इंटरेक्शन अमंग मल्टी लेवल गवर्नमेंट्स है, लोकल गवर्नमेंट्स, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट। जैसे कि मैंने कहा कि ये सैप सॉफ्टवेयर डिस्ट्रिक्ट लेवल, प्रोविंशियल और फेडरल लेवल की गवर्नमेंट के दरमियान एक इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल मैटर्स को मैनेज करने के लिए। तो ये मल्टी लेवल गवर्नमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती है यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इनमें वेरियस टाइप्स ऑफ और चीज़ें भी शामिल हैं, लाइक नोटिसेज, समरीज, पॉलिसीज फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ताकि वो टाइमली फ्लो हों डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके फेडरल लेवल तक की चीज़ें प्रॉपरली, टाइमली और एक्यूरेटली कन्वे हों। और अगर उनको इंस्पेक्ट करना हो, उनको ऑब्जर्व करना हो, उनके बारे में इंक्वायरीज करनी हो, तो वो भी ऑनलाइन हो सकती हैं। सो इस तरह इंटरेक्शन बिटवीन कंट्रोल ऑफिसर्स एंड फील्ड ऑफिसर्स भी बेहतर किया जाता है, क्योंकि देखें यूनियन लेवल पे, तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंशियल और फेडरल लेवल पे ये मल्टी लेवल गवर्नमेंट की जो इंटरेक्शन है उसको डिफरेंट ऑफिसर्स के थ्रू मैनेज किया जाता है। और इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि मैंने सैप कहा, इसी तरह ई खिदमत एप्लीकेशन हैं और डिफरेंट गवर्नमेंट की एप्लीकेशन हैं, इनको यूज़ करके वो चीज़ों को बेहतर कर रहे होते हैं और गवर्नमेंट के ऑफिस के दरमियान जो इंटरेक्शन है उसको इम्प्रूव कर रहे होते हैं, ताकि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बेहतर किया जा सके। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास ERP का एक सॉफ्टवेयर है, और इसमें बहुत सारे डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। गवर्नमेंट इनमें से अपनी ज़रूरत के लिहाज से मॉड्यूल्स को यूज़ करती है, जिनमें लाइक आप देख सकते हैं कि प्रोडक्शन का मॉड्यूल है, ह्यूमन रिसोर्सेज के मॉड्यूल हैं, प्लानिंग है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, रिपोर्टिंग की है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। नॉर्मली गवर्नमेंट इस मॉड्यूल को गवर्नमेंट टू सिटीजन्स के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करती है। सेल्स एंड मार्केटिंग है, ये नॉर्मली गवर्नमेंट टू बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होते हैं। इसी तरह फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, जैसे कि मैंने सैप सॉफ्टवेयर की बात की, AGP गवर्नमेंट का जो इदारा है वो इस मॉड्यूल को यूज़ करता है। तो इस तरह बेसिकली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट से रिलेटेड वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज हैं, एक्टिविटीज़ हैं, जिनमें ट्रांसपोर्ट, नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ऑडिटिंग और इसके अलावा अदर सर्विसेज हैं।